व्यवस्था में से ये बोझ सफल और बच्चे जो है ना वो इतने भार के साथ पढ़ाई कर रहे हैं कि आपको समझ नहीं सकते कि इसका बच्चों को गेम्स देती है। मकसद ये है कि उसको अपना मोज मिले और दूसरा गुण ये क्या है इसके अंतर्गत हमने जो 32 गुणों की जो थ्योरी रखी थी हम बच्चों को हर 15 दिन में छोटी सी एक्सरसाइज देते हैं जिसके अंतर्गत बच्चों को जैसे कि आज 15 दिन अपने होम वर्क के फेल हो गए तो मेरे से लेकर प्रिंसिपल से लेकर स्टाफ से लेकर सभी बच्चों को ये करते हैं फिर अपने चाचा को चाची को मामा मामी को 15 दिन में फेल करते अपने घर के सरबंध के वहाँ पर खुला खाना था तो ऐसे कर करके उसमें करुणा भाव जगह सबके अपने लेक्चर में अगर अच्छा होना
मनो भाई थे दुबई, दुबई थे, दुबई के सीधा पर भी आए। अपना भारत की तीन देशों में घूमना चाहता है और वहाँ पर जाकर बिजनेस करते हैं। हमने पूरी सोच अलग कर दी, यहाँ से लोग अब हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं और ये सोच में कि रेड कार्पेट तो हम लोग उसको वेलकम करेंगे, यह सोच के साथ हमने आने वाले 5 साल में हमने जो अहमदाबाद के ऊपर 70% हम इंटरनेशनल बच्चों को इन्वाइट करें और डेवलप्ड कंट्रीज से ही चाहिए, उनको ही 32 गुणन 64 कला 16 संस्कार सीखा, उसको भले वो इंजीनियर बने MBA बने, हमने बोले पूरे भारत के बेस्ट संस्कार चले, जैसे IIM वो हमारा एकेडमिक पार्टनर है, जैसे IIT मुंबई हुई वो हमारा एकेडमिक पार्टनर है, जैसे निफ्ट फ्लो जो है वो पूरा बाल मंदिर सेशन है, छोटे बच्चों को बस बहुत अच्छी लगती है, इसलिए छोटे बच्चों के लेना नहीं भूलो, इन पुस्तकों में से मौज निकलना, पार्टी में साफ पकड़ा पूरी व्यवस्था कर सकते हैं। क्लासरूम नहीं बनाया, लेबोरेटरीज बनाई है, एक्टिविटी रूम बनाया, स्टैंडर्ड सेकंड तक हम लोग टेक्स्ट बुक का यूज नहीं करते, बच्चों को एक्टिविटी से ही पढ़ाना, तो इन इस तरह से छोटे छोटे एक्टिविटी जैसे घर के लिए वहाँ पे साउंड बोले तो साउंड की जानकारी मिले, सेकंड तक आपको बुक्स खोलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मोंटेसरी एजुकेशन सिर्फ 2 ही स्कूल है, एक यहाँ पर दिल्ली में भी है, दिल्ली में दिल्ली पर स्कूल है, पढ़ोन की पहचान है, मतलब हम जो पढ़ते हैं तो झाव एक शब्द है लेकिन झाव का मतलब क्या हो रहा है वो भाव कहते हैं कि वो शब्दों से परिचित, तो पढ़ोन की पहचान जहाँ हमने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, अब इस तरह से दो बोर्ड हैं, हर 15 दिन में ये बोर्ड चेंज होती है और यहाँ सिर्फ शब्दों को पहचान और फिर धीरे इसका भाव आना चाहिए, और इस 1 घंटे के अंतर्गत यहाँ पे बच्चों को खेलना, पर्पज ये है कि 1 घंटा बच्चा मिट्टी के साथ खेल कर जाए, इसके लिए पूरी व्यवस्था है, हम तो सिखा ही रहे हैं लेकिन बच्चे को मालूम ये हो रहा है कि हम खेल रहे हैं, गंदे होंगे कौन इसको नहलाएगा कैसे होगा वो नहीं, आप मिट्टी से नहलाओ, आप मिट्टी में करो, घर पे जाके नहाना ही है, ये सबसे बड़ा हमारा प्रयोग है जो इतना सक्सेस हो गया है, ये प्रयोग कुछ नहीं, बच्चे यहाँ पे स्टोरी बताते हैं और इस स्टोरी के अंतर्गत बच्चे जो है यहाँ पे बैठ के पहले वो स्टोरी क्लासरूम में सुनते हैं, फिर क्लासरूम में सुनने के बाद टीचर उसको वीडियो पे दिखाते हैं, फिर यहाँ आना का मतलब क्या है, अब ये हमने आवाज बंद कर दी, देखो ये स्टोरी में कोई आवाज नहीं, अब ये स्टोरी बच्चा अपने क्लासरूम के सामने बोलेगा, जैसे यहाँ पे मैं बच्चा हूँ तो मैं अब ये स्टोरी बोलूँ, लेकिन मैं आपको सच में बताऊँ सच्ची बात, ये स्टोरी बच्चा बोलता नहीं, बच्चा अपनी स्टोरी बोलता है कि मेरे घर पर जो है ना मेरे पापा ने नई इनोवा ली है, मेरी मम्मी जो है ना कल नवरात्र में गई थी और उसको इनाम दिया, बच्चे को ये स्टोरी से ज्यादा अपनी स्टोरी पसंद है, लेकिन हमारा पर्पज क्या है उसका बोलना, उसकी भाषा खुले, उसका शब्दों का लचीला पन खुले, वो हम यहाँ पे और ये डेली एक सेशन यहाँ पे बताया गया जिसको म्यूट स्टोरी करिए, कचरा पट्टी बना के लेके आए वो, तो बच्चों को यहाँ पे हम ऐसी ही चीजें सिखाते हैं जैसे मोबाइल स्टैंड सिखाए, तो मोबाइल स्टैंड की सबको जरूरत है, ये पेन स्टैंड बनाया तो पेन स्टैंड को सबको जरूरत है, ये टी शर्ट है तो टी शर्ट पे पेंटिंग सबको जरूरत, तो ऐसे ही चीजें टीचर सिखाती है, एक मिनट एक चीज सिखाती है जो बच्चे घर पे यूज कर सकते, मम्मी उसको डाले नहीं कचरा पट्टी, ये हमारी सबका है, सीटिंग आपको 4-4, 5-5 ही मिलेगी, एक तो टीचर का 45 मिनट का क्लासरूम, ये बहुत कमर्शियल हो रहा है, हमने क्या करते हैं एक क्लासरूम में सबसे पहले हम यहाँ पे वन थर्ड करते हैं, पहली 10 मिनट बच्चे को पंचायत करना, पंचायत के अंदर टीचर यहाँ पे 10 मिनट उसको देती है,
फिर 20 मिनट टीचर यहाँ पे पढ़ाती है जो उसको पढ़ाना रूप में से बच्चा इस चैप्टर में से मुझे क्या समझ में आया, मुझे क्या मौज मिली, मुझे क्या अच्छा लगा, अच्छा या ढूंढना, इससे भारत का फायदा क्या होगा, इससे विश्व का फायदा क्या होगा, इसमें से जानकारी क्या मिली, हर चीज हर एक लेक्चर में डायरेक्टली लास्ट में मौज में लिखना, हर बच्चे को यहाँ पे आके लिखना, और उस लिखने से बोलने से समझने से उसकी जो भाषा है, लीडरशिप क्वालिटी है, वो पूरी आविष्कार होती है। तो तीन चीज में हमने क्लासरूम को डीट दिया, पहली 10 मिनट पंचत, फिर 20 मिनट पढ़ाना और लास्ट 10 मिनट मौज। और और ये दोनों प्रिंसिपल का
कम नहीं है सीटें। पूरे भारत की पहली संस्था ऐसी है कि जो कोरोना पांच से खुदे उस बच्चों को पांचवी दौरान से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आई एस आई टी एस बनाने की तैयारी, और उसके लिए जियो जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ जेम कम से पूरे उसके महाराष्ट्र सब आप पहचान दो जीतो भी जीतो जीतो जियो जो संस्थापक हैं नया पद्म सागर महाराष्ट्र जी मुंबई वाले, तो वो उसके उनकी सहायता से हमने ये संस्था करा जिसमें पूरे दिल्ली से बाजीराव और चाणक्य के टीचर्स हैं, ये बच्चों को पांचवीं से अफोक डांसिंग और म्यूजिक के अंदर जो तबला हारमोनियम वोकल ये पूरा सौराष्ट्र ये सौराष्ट्र के सभी लीडर्स चाहे पोएट हो चाहे महात्मा गांधी जी हो चाहे कृष्णा जी हो चाहे सरदार जी हो ये पूरा इंडिया का सौराष्ट्र का चलो क्योंकि बच्चों को आज मालूम नहीं होता जैसे पहाड़ियों से ये पहाड़ियों का मतलब क्या है अगर आप आज किसी को पूछो ना तो मालूम नहीं हमारे देश के लोग जो शहीद हुए उसके याद में ये पहाड़ी होता है किसी को मालूम नहीं होता हमने ये और ये पिक्चर बच्चों को डिस्क्राइब किया जाता है समझाया जाता है इसकी स्टोरी की जाती है और उस स्टोरी के अंतर्गत ये बच्चों को पूरे संस्कार दिए जाते हैं और ये छोटा सा स्पोर्ट्स रूम है छोटा सा एक स्पोर्ट्स रूम है तो यहाँ पे बालू में और उसकी तो आप बालू मजबूत रहेंगे तो ये छोटा सा मॉडल बनाया के ये दो पंक्ति से हमें गुरु की महिमा का पूरा वर्णन मिल जाता है। आगे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि गोविंद तक पहुंचना है तो मार्ग गुरु से होकर ही गुजरता है। मैं ऋचा अग्रवाल गुजरात स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सिस्टम की प्रिंसिपल यहाँ मंच पे उपस्थित परम पूज्य महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का आप सभी महानुभवों का और मेरे मित्रगणों का खूब तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दिस प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज्ड बाय मैनेजिंग ट्रस्टी ऑफ गुजरात स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सिस्टम डॉक्टर मेहुल रूपानी एंड जियो गीता परिवार। आज राजकोट के लिए बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि गुरुजी हमारे द्वार पधारे हैं। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हम सबके जीवन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गीता सिर्फ गीता लिखी हुई ग्रंथ नहीं है, ये एक ऐसी स्पीच है जो श्री कृष्ण ने पूरी संपूर्ण मानव जाति के लिए एक संदेश छोड़ा है। गुरुजी का ये स्वप्न है कि गीता हर एक घर में बसे, हर एक दिल में बसे। हम गीता को सिर्फ पढ़े नहीं, इसे हम जीना सीखें। और इन्हीं श्री कृष्ण को याद करते हुए आज हमने ये आयोजन किया है। दिव्य गीता से दिव्य जीवन कैसे बनाया जाए, आज हम ये सुनेंगे। तो ये कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं लॉर्ड कृष्ण को याद करते हुए उनके एक भजन से, जो मैं आमंत्रित करना चाहूँगी मिस नीमा ओजा मैडम को, मिस स्वरा ओजा मैडम को एंड मितेश ओजा सर को। वो हमें बड़ा ही प्यारा कृष्ण भजन सुनाएंगे,
फिर हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। थैंक यू। कृष्णा मुझ में भी है, कृष्णा तुझ में भी है, कृष्णा धरती अंबर, कृष्णा सबके अंदर। कृष्णा मुझ में भी है, कृष्णा तुझ में भी है, कृष्णा धरती अंबर, कृष्णा सबके अंदर। सुन जिसकी धुन मन डोले, कानों में रस घोले, वो नटखट बांसुरी वाला, हाँ कृष्णा ही है। सुन जिसकी धुन मन डोले, कानों में रस घोले, वो नटखट बांसुरी वाला, हाँ कृष्णा ही है। कृष्णा मुझ में भी है, कृष्णा तुझ में भी है, कृष्णा धरती अंबर, कृष्णा सबके अंदर। रे गा मा गा आ, रे गा मा गा, रे गा मा गा आ। खुशबू में है वो, गुनगुन करते भवरे की गुंजन में है वो। गोकुल का ये ग्वाला, श्याम सलोना काला, सारे जग से निराला, हाँ कृष्णा ही है। गोकुल का ये ग्वाला, सलोना काला, सारे जग से निराला, हाँ कृष्णा ही है। कृष्णा मुझ में भी है, कृष्णा तुझ में भी है, कृष्णा धरती अंबर, कृष्णा सबके अंदर। रे गा मा गा को, दीन दुखी निर्बल निर्धन में, सबकी सुनने वाला वो है दीन दयाला, मोहन माधव गोपाला, हाँ कृष्णा ही है। सबकी सुनने वाला वो है दीन दयाला, मोहन माधव गोपाला, कृष्णा ही है। कृष्णा मुझ में भी है, कृष्णा तुझ में भी है, कृष्णा धरती अंबर, कृष्णा सबके अंदर। सुन जिसकी धुन मन डोले, कानों में रस घोले, वो नटखट बांसुरी वाला, हाँ कृष्णा ही है। कृष्णा मुझ में भी है, कृष्णा तुझ में भी है, कृष्णा धरती अंबर, कृष्णा सबके अंदर। कृष्णा मुझ में भी है, कृष्णा तुझ में भी है, कृष्णा
कृष्णा धरती अंबर कृष्णा सबके अंदर कृष्णा मुझ में भी है कृष्णा तुझ में भी है कृष्णा धरती अंबर कृष्णा सबके अंदर कृष्णा धरती अंबर कृष्णा सबके अंदर कृष्णा धरती अंबर कृष्णा सबके अंदर बड़ा ही सुंदर भजन मन मोह लिया सच में. वी विल लीड टुवर्ड्स द प्रोग्राम. आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ गुजरात स्कूल ऑफ एक्सेलेंस सिस्टम फॉर लीडिंग द फेलिसिटेशन प्रोग्राम अहेड. प्रणाम गुरुदेव. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच ये महान विभूति मौजूद हैं. हम कुछ भी शुरुआत करने से पहले उन्हीं का सम्मान करना चाहेंगे. आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर मेहुल रूपानी सर, सिंडिकेट मेंबर सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी एंड मैनेजिंग ट्रस्टी एच एन शुक्ला ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, डॉक्टर संजय वादर सर एंड डॉक्टर कल्पित संघवी सर, टू प्लीज ऑनर गुरुदेव जी. I would request the Pro Vice Chancellor Sir, Dr. Vijaybhai Deshani Sir, to please come and felicitate and honor Gurudev Ji. I also request Atul Bhai Pandit Sir. जियो गीता परिवार और कृष्ण कृपा परिवार से हमारे बीच में मौजूद हैं. आई वुड रिक्वेस्ट श्री सत्यनारायण अग्रवाल सर, श्री शिव कुमार सर एंड महेश सर टू प्लीज कम एंड गुप्ता सर एंड श्री प्रदीप मित्तल सर टू प्लीज कम ऑन स्टेज एंड ऑनर गुरुदेव. We also have with us Sri Vallabh Bhai Kathiria Ji. I would request him to please greet and honor Gurudev Ji. I request Sri J.V. Shah Sir to please honor and seek blessings from Gurudev. It is an honor to have all the dignitaries of the city present with us today. We would like to honor each and every person present here. Ma'am, to please felicitate Pro Vice Chancellor Sir, Shri Vijaybhai Deshani Sir, Bhavin Bhai Bhatt, Pujit Rupani Trust,
to please felicitate Vallabhbhai Kathiria. I would request Sri Adit Gheria ji to please honor and felicitate. It is our grace that we have Sri Atul Bhai Pandit also with us. We would like to felicitate him by Nirad Bhai Bhatt. और आज हम जिस अवसर के लिए यहाँ पधारे हैं अब मैं अब मंच पे बुलाना चाहूँगी जियो गीता संस्थान के जनरल सेक्रेटरी श्री प्रदीप मित्तल जी को, जो हमें गुरुजी की जीवन शैली के बारे में बताएंगे, जियो गीता संस्थान के बारे में वर्णन करेंगे। जय श्री कृष्णा। पीछे से आवाज़ जानी चाहिए बाहर तक। जय श्री कृष्णा। आज हम सबका सौभाग्य है कि हमारे बीच में एक ऐसे महान, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं संत कहूँ क्या कहूँ, गीता मनीषी महामंडलेश्वर परम श्रद्धे स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज आज आप सबके समक्ष हैं, जिनका जीवन इतना सरल सत्संग सेवा सिमरण के साथ समता समरसता जिनका ध्येय रहता है, उनका मुख्य आधार श्री कृष्ण कृपा सेवा समितियों के माध्यम से अनेक क्षेत्रों में सेवाओं के विभिन्न प्रकल्प जो पिछले 30 वर्षों से उनके नेतृत्व में चल रहे हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चिकित्सा हो, जरूरत परिवारों के लिए मदद हो, रक्तदान शिविर हो, अनेक सेवाएं लगातार इनके नेतृत्व में चल रही हैं। गौ सेवा तो सदा ही महाराज श्री की प्राथमिकता रही है, जिसके अंतर्गत अनेकों गौशालाएं पूरे देश भर में महाराज श्री ने स्थापित की, जहां हजारों हजारों गौवंश सेवा का लाभ दे रहा है। बहुत संक्षिप्त में मैंने कुछ बात कही क्योंकि मैं अधिक समय तो गुरु जी के लिए छोड़ूंगा। जियो गीता भगवत गीता की व्यवहारिक पहचान बने, घर घर का श्रृंगार बने, बालक युवक शिक्षक चिकित्सक सभी आए भगवत गीता के साथ अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दें, ऐसा प्रयास जियो गीता के माध्यम से सफलतापूर्वक गुरु जी के नेतृत्व में चल रहा है। विश्व के अनेक देशों में गीता के प्रचार के माध्यम से गीता जी को स्थापित करने के उद्देश्य से इंटरनेशनल सेमिनार्स का आयोजन किया गया है। हरियाणा सरकार की ओर से पिछले 5 वर्षों में गीता की उपदेश थली धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित होता है, जिसकी मूल प्रेरणा स्रोत हमारे पूज्य गीता मनीषी परम श्रद्धे स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ही होते हैं। ।2019 में मॉरिशस में वहां के राष्ट्रपति जी के साथ 1 सप्ताह तक इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल मनाया गया, महाराज श्री के मार्गदर्शन में, जहां वहां की पार्लियामेंट हाउस में गीता जी को बड़े तरीके से सम्मान के साथ स्थापित किया गया और वहां के राष्ट्रपति 1 सप्ताह तक
डेलीगेशन के और महाराज श्री के साथ रहे, उन्होंने भूल गए कि वो कहाँ के राष्ट्रपति है क्या है, उनके लिए सर्वोपरि महाराज श्री नजर आ रहे थे और महाराज श्री के नेतृत्व में वो कार्यक्रम चला। कुछ समय बाद लंदन यूके, जिसकी बात अभी मेहुल भाई बाहर कर रहे थे कि अब वो समय आने वाला है कि लंदन के बच्चे भी हमारे स्कूल में आके पढ़ेंगे, वहाँ की पार्लियामेंट हाउस, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा लोकसभा होती है, वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स में बड़े सम्मान के साथ वहाँ के सांसद बॉब ब्लैकमैन, जो कि अपोजिशन पार्टी के वहाँ लीडर भी हैं, उन्होंने सम्मान के साथ गीता जी को अपने सर पर रखकर जब पार्लियामेंट हाउस के चक्कर लगाए, वो दृश्य बड़ा रोमांच का दृश्य था, रोमांचिक दृश्य था वो, जिसमें गीता को लेकर विधिवत पड़े भारत माता की जय और गीता माता की जय के नारों के साथ उन अंग्रेज के हमारे सांसदों ने गीता जी को हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन में स्थापित किया। आप दृश्य सोचे कैसा दृश्य होगा। पिछले कई वर्षों से जन्माष्टमी के अवसर पर लंदन के प्रमुख बाजारों में, सड़कों में एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकलती है, जिसके प्रमुख रथ पर महाराज श्री विराजमान होते हैं। इस साल हमने भी देखा, लोकल लंदन के लोग अगर माने तो शायद 2-4 हज़ार लोग लोकल थे जो उस शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। ऐसा विशाल शोभा यात्रा लंदन के बाजारों में भी निकलती है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महाराज श्री का कितना कार्य है, कहाँ का किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, उनके मन में जो लगन है। अपने शब्दों में वो खुद बताएंगे कि किस प्रकार वो जेलों में कैदियों को गीता का पाठ पढ़ाते हैं, किस प्रकार उन्होंने कितनी पुस्तकें लिखी हैं, गीता फॉर टीचर्स, गीता फॉर इंजीनियर्स, गीता फॉर प्रोफेशनल्स, गीता फॉर पॉलिटिशियंस, ना जाने किस विषय पर आप कहेंगे, हर विषय पर मेहुल भाई गुरुजी ने गीता लिखी है, चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे बड़ों के लिए हो, सरल भाषा में हो, सभी के लिए गीता जी उन्होंने लिखी है। क्योंकि उनका जो नारा है कि गीता घर घर का श्रृंगार बने, हर तक पहुंचे, तो आज आपके साथ बैठेंगे चर्चा, आज शायद 3 साल बाद या 4 साल बाद लगभग गुरु जी का इस क्षेत्र में पदार्पण हुआ है। मुझे विश्वास है कि आज की यह यात्रा शायद एक यादगार रहेगी, क्योंकि बहुत ही आज निर्णय, जैसा सुबह से मैं देख रहा हूँ यहाँ चर्चाएं हुई हैं, शिव कुमार जी हैं, मेहुल भाई हैं, सुबह से जो योजनाएं बन रही हैं कि शायद आने वाले दिनों में आपका राजकोट का क्षेत्र महाराज श्री को तो भूलेगा ही नहीं, लेकिन गीता में बन जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इस प्रकार की योजनाएं आपके राजकोट में बन रही हैं। अभी महाराज श्री के नेतृत्व में, महाराज श्री के मार्गदर्शन में, उस धर्मस्थली कुरुक्षेत्र में एक ऐसा जियो गीता के अंतर्गत एक ऐसा स्थान बन रहा है जियो गीता का, गीता ज्ञान संस्थानम, जिसमें इंटरनेशनल लाइब्रेरी, जिसका वर्णन अभी मेहुल भाई भी कर रहे थे कि लाइब्रेरी कैसी हो, इंटरनेशनल म्यूजियम, इंटरनेशनल ऑडिटोरियम, इंटरनेशनल गुरुकुल, लाइट एंड साउंड शो, इस प्रकार का गीता का वो स्थान वहाँ पर बन रहा है। हमें भारत सरकार के, हरियाणा सरकार ने 10 एकड़ जमीन दी वहाँ, उसका निर्माण जो महाराज श्री के प्रयासों से, इनके मार्गदर्शन के, इनके नेतृत्व में, आप सबके सहयोग से जो चल रहा है, वो ऐसा दृश्य एक दिन होगा कि हिंदुस्तान में कोई भी विदेश से अगर कोई घूमने के लिए टूरिस्ट आएगा तो उसके मन में यह बात आएगी कि अगर मुझे दिल्ली में उतर के अब सबसे पहले आगरा नहीं, मुझे सबसे पहले कुरुक्षेत्र जाना है, जिससे मुझे हिंदू का धर्म और भगवान कृष्ण और उसको सारे को जाके देखना है। ऐसा स्थान वो महाराज श्री के नेतृत्व में बन रहा है। ऐसे हमारे महाराज श्री हमारे बीच में हैं, जो इतने सरल हैं, कभी भी कोई अप्रोच करे, कभी भी कोई मन की शंका हो, उसको दूर करने में हमेशा तैयार रहते हैं। कोई मिलने में हिचक नहीं, कोई किसी प्रकार का नहीं, कोई मन में लालच नहीं, कोई मन में ध्येय और कुछ नहीं, सिवाय एक ध्येय कि मेरी गीता घर घर तक पहुंचे, घर घर का श्रृंगार बने, बच्चे बड़े से लेके बूढ़े से लेके हर जाति हर धर्म का व्यक्ति पढ़े। क्योंकि तो खुद कहते हैं और आप सब कहते हैं, गीता इज नॉट ए रिलीजन बुक, इट टीचिज द वे हाउ टू लिव, तो जीने का ढंग सिखाती है, उसको अगर आप सीखेंगे तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा और उदाहरण हो नहीं सकता, इनसे बड़े नेतृत्व में कुछ काम हो नहीं सकता जो हमारे आदरणीय गुरु जी के नेतृत्व में सारे काम हो रहे हैं। आज तो मुझे गुरु जी के परिचय के विषय में तो मैं और ज़्यादा कह नहीं सकता, मेरे पास शब्द भी नहीं है, क्योंकि हम तो साथ रहते हैं, हम तो, मैं अगर व्यक्तिगत पूछूं, मैं तो भगवान का रूप मानता हूं। मैं तो जब से जुड़ा हूं,
मैं तो इन्हीं को अपना आदरणीय पूजनीय सब कुछ देव मैं तो इन्हीं को मानता हूँ, मुझे तो इन्हीं की कृपा रहे, मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ और आप सबके मन में भी ये भावना बने। लेकिन आज मुझे आपके इस स्कूल की चर्चा मैं अवश्य करूँगा, जो गुजरात स्कूल ऑफ एक्सलेंस का सिस्टम मैंने देखा, मुझे मेहुल भाव ने अभी हमें स्कूल दिखाया, मन को बहुत प्रसन्नता हुई कि ऐसे स्कूल की सिस्टम किस प्रकार से छोटे से बच्चे को लेकर प्रैक्टिकल तरीके से उसको क्या सिखाया जाता है, क्या सिखाने का ढंग होना चाहिए। जैसे हम गीता की बात कर रहे हैं, शिक्षा का क्या ढंग होना चाहिए, वो भी मुझे आके आज स्कूल में देखने को मिला। वो देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने तो यहाँ से कुछ बातें नोट की और मैं तो कहूँगा कि जाके दिल्ली, नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, राजस्थान के स्कूलों के ओनर्स को बुलाकर मैं तो उनसे चर्चा करूँगा कि मेरा सौभाग्य है, क्योंकि मैं बाई चांस मेहुल जी अग्रवाल और वैश्य समाज का भी मैं ऑल इंडिया का चेयरमैन हूँ। इंडिया के जितने इंजीनियर्स, बिल्डर्स, आर्किटेक्ट्स की एसोसिएशन है, इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस, उसका भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो मेरे साथ संबंध पूरे देश में सभी प्रकार के, मैं तो आपके स्कूल की चर्चा ही नहीं करूँगा, ये कोशिश करूँगा कि उनके डेलीगेशंस आपसे सीखने के लिए आपके पास आते रहें और आप उनका नेतृत्व करें और पूरे देश में स्कूलों के बच्चों के संस्कार भी इस प्रकार के बने, वो भी हमारा प्रयास रहेगा। पुणे में आपने हमारा सम्मान किया, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं महाराष्ट्री के और आपके बीच में अधिक नहीं रहते हुए महाराष्ट्री के चरणों में नमन करते हुए यही विनती करता हूँ कि महाराष्ट्री का आशीर्वाद हमें सबको मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच सर। इस कार्यक्रम की कल्पना करने वाले और उन्हें संपन्न करने वाले अस्टॉन्च बिलीवर इन कृष्णा, आई इनवाइट डॉक्टर मेहुल रूपानी जी ऑन स्टेज, द मैनेजिंग ट्रस्टी ऑफ गुजरात स्कूल ऑफ एक्सलेंस सिस्टम। आज का सेशन हमें जो जिस पर्पस से इकट्ठा हुए हैं उसी को समर्पित है, सिर्फ दो मिनट, क्योंकि आज पूरे राजकोट से पधारे हुए सम्माननीय सभी लीडर्स, युवा लीडर्स, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी राजकोट के कॉरपोरेशन की स्कूल के पधारे हुए चेयरमैन, मैं सभी के नाम नहीं लूँगा लेकिन सभी जो यहाँ पे गणमान्य हैं सभी का मैं आज स्वागत करता हूँ। गुरुदेव, आज सबसे पहले मैं तो आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, एक शेयर करना चाहता हूँ कि क्यों राजकोट में गुरुदेव को आज इनवाइट किया। हमारे बीच में सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के प्रोवाइस चांसलर हैं डॉक्टर देसाणी साहब और कॉरपोरेशन की स्कूल के चेयरमैन हैं श्री अतुल भाई। सर, आपके बीच में हम लोग क्यों गुरुदेव को राजकोट में इनवाइट किया, पूरे यूथ भी आज उपस्थित है, मेरे वो प्रिंसिपल हैं चाणक्य स्कूल में, तो पर्पस यह है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आज देश में डिक्लेयर हो चुकी है और इस पॉलिसी के अंतर्गत हम व्यक्ति निर्माण के साथ राष्ट्र निर्माण करें, यह पॉलिसी का मकसद है, और भारतीयकरण हो इसके अंतर्गत यह पॉलिसी का मकसद है। और इस एजुकेशन पॉलिसी को अब आने वाले सालों में हम सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में और कॉरपोरेशन की स्कूलों में और गुजरात की सभी स्कूलों में इसको लागू करना चाहते हैं, और उसमें के लिए सबसे पहला जो बेस है वह है जीने का ढंग, जिसको बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। हम सभी जानते हैं कि सभी उपनिषद, सभी धम्म परिषद, कुछ भी आप धम्म पद पढ़े या महावीर वाणी पढ़े, सभी एक वृक्ष के नीचे उसका आविष्कार हुआ और सभी लोगों के बीच में पहुंचा। सिर्फ एक शास्त्र है, एक ही ग्रंथ है, वह भगवद गीता, वो महाभारत में कुरुक्षेत्र में जिसका आविष्कार हुआ, माने युद्ध में इसका आविष्कार हुआ, समझ लीजिए यही जीने का ढंग है। व्यक्ति जो है वह कठिनाइयों में है, युद्ध की परिस्थिति में है, और उसमें जीने का ढंग क्या होना चाहिए, यह भगवान श्री कृष्ण ने हम सभी को दिया। और अर्जुन के सवाल, ऐसे सवाल आप एक बार गीता पढ़ेंगे तो दो मिनट तो हमें भी लगेगा कि
ये सवाल पूछना क्या जरूरी था? लेकिन ऐसे सवाल और ऐसे सवाल के ऐसे जवाब, समझ लीजिए भगवद गीता में से अर्जुन और कृष्ण की कल्पना करें तो वह सखा भी है, मित्र भी है, गुरु शिष्य भी है, जिसको हम स्कूल में बोलते हैं बड़ी टीचिंग भी है, हमारी काठियावाड़ी भाषा में बोले तो पंचायत भी है, सभी कुछ बोले तो यह भगवद गीता में से एक ही मैसेज मिलता है कि कैसे जीना चाहिए। और आने वाले दिनों में सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी फैकल्टी में हम कल्पना कर रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता को अपने अभ्यासक्रम का भाग बनाया जाए। क्या श्रीमद् भगवद गीता से मैनेजमेंट हो सकता है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। भारत की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कौन सी है? टाटा। टाटा का और उसके साथ एक एसोसिएट कंपनी है, वो उसके ओनर ने अपने कर्मचारियों में भगवद गीता को लागू करवाया। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, तब तक वो छोटी सी कंपनी 200 करोड़ में आगे बढ़ रही थी। दो साल के बाद मैनेजमेंट के अंतर्गत, कॉरपोरेट कल्चर के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता का जैसे ही पदानिरूपण हुआ और उस कंपनी का इस साल का टर्नओवर है 3200 करोड़। सिर्फ 3 साल की बात है। यह जो फेरफार है, इसका मतलब यही है कि मैनेजमेंट भी भगवद गीता से निकल सकता है, कॉमर्स भी भगवद गीता से निकल सकता है, समृद्धि भी भगवद गीता से निकल सकता है, और बाकी तो हम जानते हैं कि हर प्रश्न का जवाब ये भगवद गीता है। मैं तो टीचर हूँ, मैं बोलता हूँ टीचिंग कहाँ से निकल सकता है, तो टीचिंग सबसे पहले सभी टीचर्स भी आज उपस्थित है। आज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अर्जुन के ऐसे सवाल, हम लोग कभी अपने क्लासरूम में बच्चों पे हंसते हैं कि ऐसे सवाल होते हैं, ऐसे छोटे से सवाल पूछने चाहिए। बच्चा भी कभी कभी डरता है कि ऐसे सवाल में जाहिर में मेरे पूछने चाहिए नहीं पूछने चाहिए। तो ये टीचिंग पेडागोगी का सबसे बड़ा उदाहरण कि अर्जुन के सभी सवाल का जवाब कृष्ण ने दिया। तो हमें भी एज ए टीचर क्लासरूम के अंतर्गत बच्चों के हर सवाल के जवाब, उसको जब तक संतोष न हो तब तक उसको दिया जाना चाहिए। और लास्ट में अर्जुन ने बहुत एक अच्छी बात कही थी कि अगर श्री कृष्ण जी आपने सब कुछ बता दिया, अपना विराट रूप बता दिया, अब मुझे कोई सवाल नहीं है, फिर भी मैं पूछता हूँ कि क्या मैं इस महाभारत को छोड़ के चला जाऊँ, क्या मैं इस कुरुक्षेत्र को छोड़ने के चला जाऊँ, तो क्या आप जाने दोगे? मैं तो टीचर हूँ, मैं तो क्लासरूम बंद करके सबसे पहले उसको मारूंगा कि इतना बड़ा 2 घंटे का लेक्चर सुन लिया, अब जाने की बात कर रहा है। सोचिए क्या श्री कृष्ण ने मैसेज दिया, उसको बोला कि अभी आपको जाना है तो जा सकते हो, आपका गांडीव मैं ले लूँगा, युद्ध तो होगा, अर्जुन तेरे बगर होगा या तेरे साथ होगा। ये कृष्ण है, ये टीचर है। और समझिए कि जाने की एक स्वतंत्रता भी भगवान श्री कृष्ण दे सकता है और स्वीकार भी भगवान श्री कृष्ण ही कर सकता है। तो ऐसे श्री कृष्ण की वाणी से निकला और आज हम सबके दिलों में बसा हुआ शास्त्र है, लेकिन यह शास्त्र सिर्फ जीने का आधार है और हर सवाल का जवाब भगवद गीता में है। यह व्यवस्था को लागू करना हम आने वाले दिनों में चाहते हैं। राजकोट में हमने आग्रह करके गुरुदेव को आमंत्रित किया, हमारी भावना को, हमारी लागणी को, संवेदना को परख कर गुरुदेव खास हमारे बीच में पधारे हैं। मैं सबसे पहले गुरुदेव का आभार व्यक्त करता हूँ। और 1 साल के अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता को राजकोट के अंतर्गत जीने का ढंग, जीने का आयाम बनाना चाहते हैं। तो सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी और कॉरपोरेशन की स्कूलों की टेक्स्ट बुक में भी हम भगवद गीता को 2022 से लागू करना चाहते हैं। कैसे लागू कर सकते हैं वह उसी के लिए आज यह सत्संग के बाद एक मीटिंग है हमारी, और उस मीटिंग के अंतर्गत गुरुदेव हमें मार्गदर्शित करेंगे और इसको कैसे धीरे 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 लागू किया जाए। और इस व्यवस्था को लागू करने के लिए आज हम सब लोग इकट्ठा हुए, हमारा 1 घंटे का सत्संग है। लास्ट में प्रश्नोत्तरी भी है, हमारे सवाल है और हमारे बीच में हमारे गुरुदेव हैं, तो प्रश्नोत्तरी भी हम कर सकेंगे। तो इसमें से सभी युवा वर्ग उपस्थित है, तो अगर कोई भी प्रश्न हो तो हमारे बीच हमारे गुरुदेव हैं। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और गुरुदेव का आभार भी व्यक्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय।